उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद सौगंध खाई थी कि राज्य से अपराधियों का नामो निशान मिटा देंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, बदमाशों को उनकी बदमाशी पर पछताना पड़ेगा, ऐसी सजा दी जाएगी। जिसके बाद योगी के इस प्रण को चरितार्थ उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। योगी राज में पुलिस की रडार पर माफिया और अपराधी हैं, क्योंकि ये उनके मुखिया योगी का क्लियर कट ऑर्डर है। इन बातों का अंदाजा यूपी में हुए कई एनकाउंटर से लगाया जा सकता है। अभी तक पुलिस ने कई अपराधियों और माफियाओं को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाले का एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि सीएम योगी सख्त आदेश दे चुके हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी एनकाउंटर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के एक्शन से बदमाशों में दहशत, किशोरी से हुई वारदात का 24 घंटे में राजफाश, यूपी पुलिस से पंगा, बदमाशों को पराभारी, लिफ्ट देकर लूटने वाले बदमाश का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से एनकाउंटर की खबर लगातार सामने आती रहती है। यूपी पुलिस के एक्शन से बदमाशों और माफियाओं में दहशत का माहौल कायम है। पर्दाफाश में आगे बताएंगे यूपी के डीजीपी ने क्यों कहा कि हथियार सजाने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन सबसे पहले बात यूपी में एनकाउंटर की। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किशोरी को लूटने वाले बदमाश का एनकाउंटर किया है। दरअसल खतौली के चौधरी चरण सिंह गंग नहर रेलवे पुल के समीप बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। बदमाश से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया। बदमाश ने किशोरी को बाइक पर लिफ्ट देकर उससे नकदी लूट ली थी। सीओ यतेंद्र नागर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते देर रात खतौली थाना पुलिस गंग नहर पटरी मार्ग के समीप चेकिंग अभियान चला रही थी। इस बीच खतौली की तरफ से आ रहे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया। बाइक सवार ने तहसील मार्ग की तरफ अपनी बाइक दौड़ा दी। पुलिस ने जब पीछा किया तो वो बाइक फेंक कर झाड़ियों में घुस गया। इतना ही नहीं, पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम इब्राहिम खतौनी निवासी बताया है। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। वहीं इंस्पेक्टर उमेश रोरिया ने बताया कि बदमाश ने रामपुर हाल कुकड़ा निवासी गीत को उसके गांव छोड़ने का हवाला देकर बाइक पर लिफ्ट दी और उसने फुलत मार्ग पर उससे 50,000 रुपए लूट लिए। पड़ता गांव रामपुर जा रही थी। बताया कि बदमाश बाइक पर लिफ्ट देकर लूटपाट की घटना करता है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। वहीं हापुड़ जनपद में पुलिस और गौकसी के 10,000 के इनामी अपराधी और उसके साथी के बीच फिल्मी सीन की तरह मुठभेड़ हुई, जहां सिंभावली थाने की पुलिस टीम ने भाग रहे अपराधी को पकड़ने के लिए पहले घेराबंदी की, जिसके बाद अपराधी ने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने ऊपर फायरिंग होता देख अपराधी पर फायरिंग की, जिसमें अपराधी के पैरों में गोली लग गई और घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घायल बदमाश के दूसरे साथी को जंगल में घेराबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को काफी दिनों से इन शातिर अपराधियों की तलाश थी। पुलिस ने बताया कि इनपुट मिला था कि कुछ गौकस क्षेत्र में सक्रिय हैं। सूचना के बाद थाना सिंबावली पुलिस की तरफ से गांव खुडलिया नहर क्षेत्र के पास चेकिंग अभियान शुरू की गई। इस बीच एक बिना नंबर की बाइक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस टीम ने कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़मुक्तेश्वर सर्किल के सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि घायल बदमाश का नाम यूनुफ और बबलू है, जो सिंबावली थाने में हिस्ट्री शीटर बदमाश है। गौकसी के मामले में वांछित था और उस पर 10,000 का नगद इनाम था। यूनुस पर गाजियाबाद हापुड़ जनपद में गौकसी और अवैध हथियार के मामले में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज है। दूसरे बदमाश ने अपना नाम अनीस बताया है। वह जनपद गाजियाबाद के गांव दड़ार से थाना मंसूरी का रहने वाला है। पुलिस अनीस का भी आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। बदमाशों के कब्जे से एक बिना नंबर की बाइक, तमंचा में कारतूस, 500 रुपए नगद बरामद हुआ है।
घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाशों के अन्य आपराधिक इतिहास और अन्य जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि यूपी के डीजीपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पुलिस कर्मियों को हथियार सिर्फ सजाने के लिए नहीं दिए गए हैं, राज्य में अपराधियों से सख्ती से निपटा जाता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो। उनकी टिप्पणियां यूपी को अनौपचारिक रूप से मुठभेड़ राज्य कहे जाने की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें पुलिस के साथ गोलीबारी में कई अपराधी मारे गए या घायल हुए। हालांकि प्रशांत कुमार ने कहा कि मुठभेड़ में पुलिस कर्मी भी मारे गए हैं। आगे कहा कि हमने अपने सैनिक भी खोए हैं, ये पेशेवर खतरे हैं। अगर कोई अपराधी हम पर गोली चला रहा है तो हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। हताहत किसी भी तरफ से हो सकती है, चाहे वो बदमाशों के तरफ से हो, चाहे वो पुलिस के तरफ से हो। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरी हुआ तो हम कानून द्वारा सशक्त और कुछ दिशा निर्देश है जिनका हर पुलिस कार्रवाई के बाद पालन करना होता है। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था की स्थिति ने आम लोगों को काफी राहत दी। कुमार ने कहा कि यह यूपी में हमें जिस तरह का निवेश मिल रहा है उसने परिलक्षित होता है। डीजीपी ने कहा कि सरकार का एक अलग मॉडल है और कानून व्यवस्था का यह मॉडल हर जगह मशहूर है। साथ ही इन आरोपों से भी इनकार कर दिया कि यूपी में ज्यादातर मुठभेड़ों में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों से निपटने में निष्पक्ष रही। उन्होंने कहा कि अपराधियों से निपटते समय हम कोई भेदभाव नहीं करते। अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है तो आप यह नहीं चुन सकते कि कौन किस समुदाय से है और किस जाति से है। बता दें कि कुमार को इस साल जनवरी में यूपी का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। मई 2025 में सेवानिवृत्त होने से पहले वे एक साल से कुछ अधिक समय तक शीर्ष पद पर काम करेंगे। इससे पहले वे विशेष महानिदेशक यानी कि कानून और व्यवस्था और महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा के पद पर थे। वही लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ कुमार ने कहा कि यूपी स्वतंत्र, निष्पक्ष, हिंसा मुक्त, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूपी के डीजीपी ने कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए राज्य में बड़े विदेशी निवेश को भी श्रेय दिया। यह बताते हुए कि पिछले 5 साल में विदेशी निवेश पहले के 15 साल की तुलना में 400 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह यूपी में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है और मुख्य कारक बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति है। कुमार ने यह भी बताया कि व्यापार करने में आसानी के मामले में राज्य ने अपनी रैंक में बहुत सुधार किया है। साथ ही कहा कि हमारे पास एक बहुत ही गतिशील राजनीतिक नेतृत्व है जिसने हमें दिशा और अटूट समर्थन दिया है और सभी नीतिगत मामलों में विचारों की अस्पष्टता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का समग्र विकास हुआ है। वही कुमार ने जेल में बंद गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी की मौत में बेईमानी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनका पिछले महीने निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि अंसारी का जब पंजाब की जेल में थे तो उन्होंने हलफनामा दायर कर कहा था कि वे हृदय रोग से पीड़ित हैं। हालांकि उनके परिवार ने जेल में उन्हें जहर देने की साजिश का आरोप लगाया है, लेकिन जिस अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई है उसने मौत के कारण में दिल का दौरा पड़ने की पुष्टि की है। कुमार ने कहा कि यूपी जेल में जाने के बाद से अंसारी को सभी मेडिकल मदद और सहायता दी गई है, बल्कि 80 से अधिक बार दी गई है और एक सख्त अधिकारी के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि के बारे में बोलते हुए कुमार ने कहा कि जब आप माफियाओं या अपराधियों से निपट रहे हैं जिनका 4 दशकों का आपराधिक इतिहास है और उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया, जो कि एक समानांतर सरकार चला रहे हो, तो आपको ऐसा करना ही होगा कि आप उनके साथ बहुत सख्त रहें। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित जांच और संतुलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों के दायरे में काम कर रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना है। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज़ को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।